कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके मुताबिक राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर SOP जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। दरअसल गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। मंत्रालय का मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को दैनिक मामलों में गिरावट के बाद आज एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 44,376 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं मंगलवार को 37,975 मामले सामने आए थे। देश में वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 92 लाख को पार कर गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।